हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एम्पायर। तो गाइस, हमारा इंग्लिश लिटरेचर में हमसे कुछ लिटरेरी टर्म्स के बारे में भी पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में, तो हमें लिटरेरी टर्म्स भी पढ़ने होते हैं। जैसा कि एक यूफेमिज्म होता है, यूफेमिज्म मीन्स होता है पोलाइट टर्म, ए माइल्ड और इनडायरेक्ट वर्ड और एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूट फॉर वंस कंसिडर्ड टू बी टू हार्श एंड ब्लंट वैन रेफरिंग टू समथिंग अनप्लीजेंट और एम्बेरेसिंग। यह एक माइल्ड, मतलब एक विनम्र शब्द होता है, और इनडायरेक्ट वर्ड भी बोल सकते हैं हम इसको, यानी कि किसी को कुछ सीधे ना कहकर बात को घुमा फिरा कर कहना, जिससे कि उसको बहुत बुरा ना लग जाए। उसके स्थान पर एक पोलाइट टर्म हम यूज़ करते हैं, वैन रेफरिंग टू समथिंग अनप्लीजेंट और एम्बेरेसिंग। जब कुछ एम्बेरेस करने वाला हो या फिर कुछ दुखद हो, उसकी जगह पर हम यूफेमिज्म वर्ड्स यूज़ करते हैं। यूफेमिज्म इज एन आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन विच लॉसेस इट्स लिटरल मीनिंग एंड रेफर्स टू समथिंग एल्स इन ऑर्डर टू हाइड इट्स अनप्लेजेंटनेस। यूफेमिज्म एक आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन होता है हमारे पास, विच लॉसेस इट्स लिटरल मीनिंग, जो इसका शाब्दिक अर्थ नहीं होता, एंड रेफर्स टू समथिंग एल्स इन ऑर्डर टू हाइड इट्स अनप्लीजेंटनेस। यह जो दुखद भाव होता है उसको छुपाकर, उसके लिए यूज़ करते हैं इसको, इसका शाब्दिक अर्थ छुपाकर। जैसे कि हम फॉर एग्जांपल के लिए हम लेते हैं, एग्जांपल देखते हैं इसका, जैसे कि किक द बकेट। हमारे पास किक द बकेट एक ये इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, जिसका अर्थ होता है डिस्क्राइब्स द डेथ ऑफ ए पर्सन। यह किसी व्यक्ति की मौत को दिखाता है, मतलब मौत के लिए यूज़ किया करते हैं इसको, किक द बकेट। अगर हम किसी बोलेंगे कि कोई मर गया है, तो यह बहुत बुरा लगेगा हमें, ऐसे बोलना अच्छा नहीं लगता, इसलिए इसकी जगह पर किक द बकेट यूज़ करते हैं। ये इसको बोलते हैं यूफेमिज्म। इन एडिशन मैनी ऑर्गेनाइजेशन यूज द टर्म डाउनसाइजिंग फॉर द डिस्ट्रेसिंग एक्ट ऑफ फायरिंग एम्प्लॉयज। जैसे कि डाउनसाइजिंग शब्द का यूज़ किया जाता है फॉर द डिस्ट्रेसिंग एक्ट ऑफ फायरिंग एम्प्लॉयज। किसी को उसकी जॉब से निकालने के लिए हम डाउनसाइजिंग वर्ड यूज़ करते हैं, जिससे कि उसको बुरा ना लगे। अगर उसको बोलेंगे कि आपको आपकी जॉब से निकाला जा रहा है या बर्खास्त किया जा रहा है, तो उसे बहुत बुरा लगेगा, इसलिए उसको बोलते हैं यू आर डाउनसाइजिंग। लेट्स लुक एट सम कॉमन यूफेमिज्म एग्जांपल्स। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं यूफेमिज्म के। यू आर बिकमिंग अ लिटिल थिन ऑन टॉप मीन्स बार्ड, कि आप तो ऊपर से बहुत ही पतले लग रहे हो, यानी कि गंजा। बार्ड बोलते हैं गंजे को, इसलिए डायरेक्ट उसको गंजा ना बोल के उसके लिए ये फ्रेज यूज़ कर दिया गया, अ लिटिल थिन ऑन टॉप, जिससे उसको बुरा ना लगे, इसको बोलते हैं यूफेमिज्म। नेक्स्ट देखते हैं, ही इज़ ऑलवेज टायर्ड एंड इमोशनल, कि वह हमेशा ही टायर्ड एंड इमोशनल रहता है, मीन्स वह ड्रंक रहता है हमेशा ही। उसको शराबी ना बोल के टायर्ड एंड इमोशनल बोल दिया गया, ताकि उसको बुरा ना लगे, अनप्लेजेंट ना लगे उसको। ही इज़ अ स्पेशल चाइल्ड, किसी कोई अगर डिसेबल्ड या हैंडीकैप्ड है, उसको डायरेक्ट हैंडीकैप्ड ना बोलकर उसको स्पेशल चाइल्ड बोल दिया जाता है, इससे उसको बुरा नहीं लगता। फॉर एग्जांपल देखते हैं, वी डू नॉट हायर मेंटली चैलेंज्ड पीपल। मेंटली चैलेंज्ड बोलते हैं स्टूपिड लोगों को, जो पागल होते हैं। वी डू नॉट हायर मेंटली चैलेंज्ड पीपल, हम मेंटली चैलेंज लोगों को हायर नहीं करते हैं, यानी कि स्टूपिड को। स्टूपिड डायरेक्ट नहीं बोल के उसको मेंटली चैलेंज्ड पीपल बोल दिया गया है। ये कुछ एग्जांपल्स है यूफेमिज्म के। फ्रेंड्स, हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही टर्म्स लेकर आएंगे, और ताकि आपको एग्ज़ाम्स में हेल्प मिले। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।